समाजवादी पार्टी की लिस्ट आने के बाद अब मायावती ने विरोधियों को घेरा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मायावती ने निशाना साधते हुए कहा है कि बीएसपी को छोड़कर सभी पार्टियां अपनी सरकार में राजनीति के अपराधीकरण में लगी हुई हैं और राज्य पिछड़ रहा है। तो ये ट्वीट मायावती ने किया है और साथ ही इस ट्वीट के जरिए उन्होंने सियासी दलों पर निशाना साधा है। विरोधियों पर मायावती ने हमला किया, राजनीति के अपराधीकरण में लगे हैं विरोधी। मायावती ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी आपको हम बता रहे हैं। बीएसपी को छोड़ सभी पार्टियों की सरकारें राजनीति के अपराधीकरण और अपराध के राजनीतिकरण, कानून के साथ खिलवाड़ और अपनी पार्टी के गुंडों और माफियाओं को संरक्षण आदि से यूपी को जंगल राज में ढकेल, इसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखकर जनता को, ये ट्वीट आपको हम पढ़ा रहे हैं, त्रस्त करने की दोषी हैं। लेकिन इनकी जुमलेबाजी जारी है। कुछ देर पहले ही मायावती ने ये ट्वीट करते हुए निशाना साधा है तमाम सियासी पार्टियों पर उनका ये हमला। आपको बता दें कि इसके पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की है, उसके पहले बीजेपी ने भी कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की। ऐसे में समाजवादी पार्टी की लिस्ट आने के बाद ये मायावती का हमला देखने को मिला। ABP News आपको रखे आगे।